हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्ट नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर है, हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेसिस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर? क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है जिसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है? पीपल रन मैराथन ऑन रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ अ स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर। लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं क्योंकि स्टेडियम में दौड़ने का रास्ता 400 मीटर ही होता है। और मैराथन दौड़ में तो कितना डिस्टेंस होता है? ज़्यादा डिस्टेंस होता है, 40 किलोमीटर्स। और स्टेडियम का डिस्टेंस कितना होता है? छोटा ही होता है, 400 मीटर का होता है। इसलिए मैराथन में क्या करते हैं? सब लोग रोड पर ही दौड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू खाली जगह किलोमीटर। अभी आपको पता चल गया कि स्टेडियम का डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर जितना। तो 1 राउंड में उसका डिस्टेंस है 400 मीटर। तो हम 10 राउंड लगाएंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा उसका हमें आंसर लिखना है। तो हमें आंसर में लिखना है, लेंथ ऑफ द ट्रैक ऑफ अ स्टेडियम इज इक्वल टू 400 मीटर। स्टेडियम की लेंथ कितनी है? स्टेडियम की लेंथ कितनी है? 400 मीटर जितनी। हमें कितने चक्कर लगाने हैं? 10 राउंड्स लगाने हैं। सो 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू, अभी 10 राउंड लगाएंगे तो क्या टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इज इक्वल टू 10 × 400 मीटर। मीन्स 10 राउंड लगाएंगे तो डिस्टेंस कितना होगा, 10 गुना, तो 10 × 400 मीटर्स। तो टोटल कितना हुआ, 144 और पीछे 1 2 3 0, 4000 मीटर। तो 10 राउंड लगाएंगे स्टेडियम का तो टोटल कितना मीटर होगा, 4000 मीटर। और यहाँ पर पीछे क्या लिखा है, यूनिट है किलोमीटर, तो हमें आंसर किलोमीटर में लिखने हैं। अभी आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। आपको पता ही है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पर टोटल कितने मीटर है, 4000 मीटर। तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 4000 मीटर / 1000 इज इक्वल टू, आंसर में हमें क्या मिलेगा, 4 किलोमीटर। तो स्टेडियम के 10 राउंड्स कितने हो गए, 4 किलोमीटर जितना। वट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो इफ़ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट ब्लैंक्स राउंड। इसलिए अगर तुम्हें मैराथन स्टेडियम में ही पूरी करनी है तो स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? मैराथन के डिस्टेंस कितना होता है, 40 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, मैराथन में टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 40 किलोमीटर, और स्टेडियम का डिस्टेंस है 400 मीटर। तो हमें कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे मैराथन के लिए वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें आंसर में लिखना है, वी नो 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। अभी हमें पता चल गया 10 राउंड्स कितने होते हैं, 10 राउंड्स में 4 किलोमीटर। बट मैराथन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 किलोमीटर्स। हमें पता चल गया है यहाँ पर के स्टेडियम के 10 राउंड का टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 4 किलोमीटर, बट मैराथन का टोटल डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। तो क्या करना है, सो इफ 4 किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 राउंड्स, 4 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हमें स्टेडियम के कितने राउंड लगाने पड़ते हैं, 10 राउंड लगाने पड़ते हैं। सो 40 किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मैनी, 40 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हमें कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो आंसर में हमें मिलेगा 100 राउंड्स। आपको पता है यहाँ पर 4 किलोमीटर है, यहाँ पर 40 किलोमीटर है, 10 गुना ज़्यादा है। तो राउंड भी हमें कैसे लगाना पड़ेगा, 10 गुना ज़्यादा। मीन्स
10 राउंड्स है तो हमें टोटल कितने राउंड्स लगाने पड़ेंगे, 100 राउंड्स। हम स्टेडियम के 100 राउंड्स लगाएंगे तब जाके 40 किलोमीटर कंप्लीट होगा। इसलिए हम आंसर में क्या लिख देंगे, 100 राउंड्स। स्टेडियम के हमें 100 राउंड्स लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग जंप। दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज। इसमें क्या है, लॉन्ग जंप है वो बॉयज के लिए है। धनु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। धनु की 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद है। गुरजीत इज सेकंड, दूसरे नंबर पर कौन आता है, गुरजीत। और उसका जंप कितना है, तो हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धनुष। जो धनु का जो जंप है कितना है, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, उससे 20 सेंटीमीटर कम है। किसका, गुरजीत का। नेक्स्ट गोपी कम्स थर्ड, हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। गोपी थर्ड नंबर पर आता है और उसका जंप वो गुरजीत से 5 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप। तो हमें क्या करना है, गुरजीत और गोपी का जंप कितना था वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है गुरजीत सेकंड नंबर पे है और उसका जंप कितना है, धनु से 20 सेंटीमीटर लेस। मीन्स गुरजीत लॉन्ग जंप इज इक्वल टू धनु लॉन्ग जंप माइनस 20 सेंटीमीटर। धनु का जो जंप है उससे 20 सेंटीमीटर कम है। धनु का जंप कितना है, 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे 3 मीटर 40 सेंटीमीटर माइनस 20, तो कितना होगा, 40 में से 20 सेंटीमीटर कम हो गए तो 20। तो हमें आंसर मिला 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो गुरजीत का जंप कितना होगा, 3 मीटर एंड सेंटीमीटर, और गुरजीत दूसरे नंबर पर आता है। बट इट अभी गोपी जंप इज इक्वल टू गुरजीत जंप माइनस 5 सेंटीमीटर। गोपी थर्ड नंबर पर आता है और उसका जंप कितना है, गुरजीत से 5 सेंटीमीटर कम। मीन्स गुरजीत लॉन्ग जंप माइनस 5 सेंटीमीटर। गुरजीत का लॉन्ग जंप कितना है, 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर। तो गोपी का जंप कितना हुआ, 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो हमें गुरजीत और गोपी दोनों के जंप का डिस्टेंस हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। आपको भी ऐसे जंप करने का ट्राई करना है कि आप कितना जंप लगा सकते हैं, वो आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल, खाली जगह मीटर। तो उसमें आपको लिखना है कि आप बॉल को कितनी दूरी पर फेंक सकते हो। तो आंसर में लिखना है, आई कैन थ्रो अ बॉल टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। आप 5 मीटर फेंक सकते हो तो 5 मीटर, 4 मीटर फेंक सकते हो तो 4 मीटर। तो आपको आंसर में 5 मीटर 4 मीटर वो लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। तो फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसी कोई एक बड़ी बॉल लो, देखो कि तुम उसे कितनी दूर तक उछाल सकते हो। तो आपको आंसर में लिखना है, आई किक अ बिग बॉल टू अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर्स। तो आपको कितना डिस्टेंस तक आप किक कर सकते हो, तो 15 मीटर्स या 20 मीटर्स, वो आपको आंसर में लिखना है। वर्ड इट,